नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण पांडे और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल कोडवाइजर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि आखिर किस तरीके से मोमेंटम ट्रेड करें। आपको मल्टीपल टाइम मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में एक्सप्लेन किया है, ट्रेंड लाइन के बारे में एक्सप्लेन किया है, लेकिन जब मार्केट में मोमेंटम लॉस हो जाता है, कहने का मतलब है कि इंडेक्स या कोई भी स्क्रिप्ट जो भी आप ट्रेड कर रहे हैं साइडवेज चली जाती है, तब आपको प्रॉब्लम होती है। तब आपको ये समझ में नहीं आता कि किस तरीके से ट्रेड कर सके, कौन से स्विंग हाई पर हमारा बिलीव होना चाहिए। आज की वीडियो में मैं आपको यही चीज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कहने का मतलब ये है कि ये एक स्ट्रेटजी है जिससे कि आप मोमेंटम ट्रेड कर सकते हैं। स्ट्रेटजी को शुरू करने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि मार्केट में ट्रेंड कितने टाइप्स के होते हैं। आपने सुना ही होगा, ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड। ट्रेंड के साथ अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपके विनिंग रेशियो जो है वो बहुत ज्यादा हाई रहता है। आप अक्सर हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड ही करते हैं। ट्रेंड के अगेंस्ट हमेशा लॉसेस के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अगर आप स्क्रीन पे देखें तो मैं सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करूंगा कि प्राइस किस तरीके से मूव करता है, ट्रेंडिंग मार्केट क्या होती है। आप स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, अगर बुलिश मार्केट की बात करें तो आपको इस तरह का मूव देखने को मिलेगा। एक स्विंग हाई, उसके बाद इस स्विंग हाई का करेक्शन आएगा, फिर एक हाई लगेगा, फिर एक लो, और फिर एक हाई, फिर एक लो और एक हाई। ये ऐसा क्यों होता है, प्राइस इस तरीके से क्यों चलता है, इसके बारे में अभी थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। सबसे पहले आप समझिए कि ट्रेंडिंग मार्केट क्या होती है, अब ट्रेंड में प्राइस किस तरीके से मूव करता है, और उसके बाद हम बात करेंगे डाउन साइड की। लो लगेगा, एक लोअर हाई, फिर एक लो, फिर एक लोअर हाई, फिर एक लो, फिर एक हाई और फिर एक नया लो। इस तरीके से बाजार नीचे आता है। कहने का मतलब है कि जो डाउन ट्रेंड है वो इस तरीके से रहता है और अप ट्रेंड आपका इस तरीके से रहता है। लेकिन प्रॉब्लम असली कहाँ स्टार्ट होती है, जब प्राइस इस तरीके से मूव करता है। अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पर हाई भी लग रहे हैं और लो भी लग रहे हैं, किसी किसी जगह पर लो ब्रेक भी हो रहा है। दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ इस जगह पे जैसे लो ब्रेक हो गया और इस जगह पर हाई ब्रेक हो गया। अक्सर प्रॉब्लम यही पर होती है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो समझना बहुत आसान है कि भाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक ब्रेकआउट हो रहा है, क्लियर ब्रेकआउट हो रहा है। अगर आप देखें तो यहाँ एक क्लियर ब्रेकआउट है, उसके बाद एक अच्छा रन मिला है, लेकिन इस ब्रेकआउट में ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं यहाँ से प्राइस ने एक नया स्विंग हाई मारा, क्यों नहीं प्राइस ने यहाँ से एक बढ़िया मोमेंटम दी। इस मार्केट को ट्रेड करना बहुत इजी है, इस मार्केट को ट्रेड करना बहुत इजी है। आप यहाँ पर पुल बैक ब्रेकआउट स्ट्रेटजी लगाकर ट्रेड कर सकते हैं कि हाँ ब्रेकआउट होगा, प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक होगा, हम एंट्री कर जाएंगे। लेकिन जब इस तरह की मार्केट आती है तो फिर आपका ये जो सिस्टम है ये वाला, इस पर बिलीव ही नहीं रहता। अक्सर लोग यहीं पर सबसे मेजर प्रॉब्लम फेस करते हैं। जैसा कि आपने अभी रिसेंट उस ट्रेडिंग सेशन में देखा होगा, निफ्टी के लिए क्या क्या, एक बहुत बड़ा गैप अप लगा, फिर रेंज, फिर एक गैप अप और उसके बाद फिर एक रेंज। आप वहां पे ट्रेड कर भी रहे हैं तो आपको बेनिफिट नहीं हो रहा, आप बाई भी चाह रहे हैं क्योंकि ट्रेंड के साथ में, तब भी आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा। ऐसा क्यों हो रहा, यही चीज आज हम समझेंगे। कोई भी स्ट्रेटजी एक्स वाई जेड, उसके अंदर बग्स रहते हैं। अगर वो बग्स आपने फिक्स करने हैं तो आपने ध्यान देना पड़ेगा, रिफाइन करना पड़ेगा, अपने सिस्टम को बेहतर करना पड़ेगा। मैंने आपको 30 मिनट की स्ट्रेटजी समझाई, किस तरीके से समझाई और लोगों को मार्क करते हैं ये बताया, किस तरीके से ट्रेंड लाइन को यूज करते हैं ये भी एक्सप्लेन किया। आप में से बहुत सारे लोग इन स्ट्रेटजी को फॉलो करके अच्छा भी कर रहे हैं, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम है, और वो होती है जब मार्केट एक नैरो रेंज में जाती है। और आज के दिन हम इसी बग को यहाँ पर फिक्स करेंगे। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि आपको ट्रेंड समझ में आना चाहिए कि मार्केट ट्रेंडिंग कैसे है, अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में और साइडवेज। हम इस मार्केट की बात करने वाले हैं कि इस मार्केट को हम किस तरीके से
करें। तो इन सबको डिलीट कर देते हैं हम और चले जाते हैं निफ्टी के चार्ट में। डेली चार्ट लगा है और अगर आप ध्यान दें तो मार्केट यहाँ से क्या है, डाउन ट्रेंड में है। अगर बात की जाए कि ट्रेंड कहाँ चेंज हुआ, कभी भी कोई डाउन ट्रेंड चेंज कहाँ होता है, जब कोई स्विंग हाई ब्रेक होता है। डेली टाइम फ्रेम में तब तक ये स्विंग हाई ब्रेक नहीं होगा 18,370 ये जगह, तब तक हम नहीं कह सकते हैं कि यहाँ से प्राइस एक नया हाई मार सकता है। ये आपको यहाँ समझ में आ रहा है। लेकिन अगर हम एक इंट्राडे ट्रेडर हैं, शॉर्ट टर्म में ट्रेड करते हैं, तो डेली चार्ट से हमारा कुछ नहीं होगा, हमको आवरली टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। और आवरली टाइम फ्रेम में क्या देखने को मिलता है कि एक ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है। शॉर्टर टाइम फ्रेम में निफ्टी यहाँ पर अपसाइड जा रहा है, आपको क्लियर समझ में आ रहा है, डायरेक्शन आपको पता है। जैसे ही ब्रेकआउट हुआ आपको मालूम है कि निफ्टी यहाँ पर 17,000 के ऊपर सस्टेन करेगा, फिर भी क्या हो रहा है, लॉसेस हो रहे हैं। आपको पता ही नहीं चल रहा कि मार्केट में आप कहाँ पे बाई करें, एंट्री आपकी गलत हो जा रही है। ऐसा होता है ना, इसी को कहा जाता है कि नोइंग द डायरेक्शन विल नॉट मेक यू ट्रेडर। आपको मालूम है कि बाजार ऊपर जा रहा है लेकिन आप ट्रेड नहीं कर पा रहे, आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे। और ऐसा क्यों होता है ये अब हम समझेंगे। तो सबसे पहले तो हमें मालूम है कि इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपने मार्क कर लिए। प्राइस एक्शन की सबसे मजबूत स्ट्रेटजीज होती है कि स्विंग हाई स्विंग लो को मार्क करिए, हाई ब्रेक हो जाए तो बाई में जाइए, लो ब्रेक हो जाए तो आप वहां पर एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी भी ले सकते हैं, लेकिन फिर भी लॉसेस होते ही रहते हैं। समझते हैं कि कैसे हम इन सब बग्स को फिक्स करें। सबसे पहले मैं मान के चलता हूं कि आप एक इंटरनेट ट्रेडर हैं, 5 मिनट का चार्ट लगाते हैं, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक क्लियर इंडिकेशन है कि भाई हाई ब्रेक होगा, कल के दिन हमारी एक बाइंग बनेगी। मार्केट बाइंग देती है, बहुत मजबूत गैप अप के साथ देती है, उसके बाद क्या होता है, एक रेंज में चली जाती है। सेम चीज यहाँ पर भी हमें मालूम है लेकिन फिर भी इनकी गड़बड़ हो जा रही है और इसी को हम यहाँ पर फिक्स कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक इंडिकेटर बताता हूँ, वेल नोन इंडिकेटर है, दुनिया जानती है, लेकिन फिर भी लोग उसको कहते हैं रिलेट नहीं कर पाते। जबकि अगर बात की जाए कि उस इंडिकेटर की खासियत क्या है, तो वो इंडिकेटर जो है वो आपको एक ट्रेंड बताता है। लैगिंग इंडिकेटर है, आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, मूविंग एवरेज कहते हैं इसको। हम यहाँ पर ईएमए इस्तेमाल करेंगे और प्राइस एक्शन के साथ ईएमए को मिक्स कर देंगे, जिससे कि हम एक क्लियर मोमेंटम को ट्रेड कर सके। अगर आप ध्यान दें तो हम यहाँ से सबसे पहले क्या उठाते हैं, ईएमए 9 का नहीं चाहिए हमको, हमको चाहिए 21 ईएमए। चार्ट पर प्लॉट हो गया, यहां तक क्लियर है, मूविंग एवरेज लगा दी सब कुछ, लेकिन मूविंग एवरेज से तो ट्रेड मिल नहीं रही है। यहां पर आपको मूविंग एवरेज और प्राइस एक्शन को मिक्स करना है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप मूविंग एवरेज से ट्रेड करो, यहाँ मूविंग एवरेज ब्रेक हुई तो आप बाई पोजीशन कर लो और उसके बाद आप अपनी पूरी राइड करो, मैं ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ कि हम मोमेंटम ट्रेड किस तरीके से करें, यानी वो ट्रेड जिसके अंदर एक क्लियर कट मोमेंटम हो और वहां पर हम एक अच्छा प्रॉफिट कर सकें। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ईएमए काम कैसे करती है। मोस्टली अगर मूविंग एवरेज की बात करें तो एक एवरेज प्राइस बताता है। अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर क्या ईएमए आपको क्या एक्सप्लेन कर रही है, एक्सप्लेन ये कर रही है कि एवरेज प्राइस क्या है। ठीक है, लास्ट 21 पीरियड यानी 5 मिनट का अगर मैं चार्ट यूज कर रहा हूं तो 105 मिनट का एवरेज प्राइस क्या है, आपको क्लियर दिखने को मिलेगा कि जो प्राइस है वो ईएमए के पास में ही ट्रेड कर रहा है। अगर प्राइस ईएमए के पास में ट्रेड कर रहा है तो इसका क्लियर एक ही मतलब होता है कि यहां पर मोमेंटम नहीं है। अगर मोमेंटम होगी तो प्राइस जो है वो ईएमए से दूर ट्रेड करेगा, जैसे कि आप यहां पे देखें और आप इस जगह पे देखें, आपको क्लियर डिफरेंस देखने को मिलेगा कि यहाँ जो ईएमए है वो इस जगह पे प्लॉट हुई है और प्राइस कहाँ प्लॉट हो रहा है, यहाँ पर, और यहाँ पर ईएमए इस जगह पर है और प्राइस उसके बहुत ही नियर प्लॉट हो रहा है, जो कि आपको ये क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे प्राइस का मोमेंटम उतना नहीं है।
अगर हमें इंट्राडे ट्रेड करनी है, अगर हमें मोमेंटम ट्रेड करनी है, उसी के हिसाब से अपना टारगेट भी रखना है, तो इसमें ये आपकी बहुत मदद कर सकता है। ये मेरी एक वेल टेस्टेड स्ट्रेटजी है। शुरुआत के टाइम में मैंने बहुत यूज किया, बहुत ही क्लियर मोमेंटम देता है। जैसे कि आप यहाँ पर समझें, सबसे पहले मैं करता क्या हूं कि जब मार्केट ओपन होती है, अब देख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, गैप अप आ गया, ठीक है। शुरुआत के 30 मिनट में वेट कर लेता हूँ कि प्राइस का मोमेंटम किस साइड रहने वाला है, ये समझ लेते हैं, हाई और लो क्या होता है, इसको मार्क कर लेते हैं, ठीक है। आधे घंटे की जब रेंज मुझको मिल जाती है, मैं सिर्फ वेट करता हूँ ब्रेकआउट का। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमको एक क्लियर ब्रेकआउट देखने को मिला, ब्रेकआउट देखने को मिला। ईएमए से हमें क्या देखने को मिला, ईएमए से हमको पता चला कि स्ट्रेंथ है कि नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ईएमए जो प्लॉट हो रही है वो प्राइस से बहुत ज्यादा दूर प्लॉट हो रही है, तो एक साइन तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि इस पर्टिकुलर ट्रेंड में मोमेंटम है। यहीं से एंट्री करते हैं और जब तक प्राइस ईएमए से दूर रहता है, या कहने का मतलब है जब तक प्राइस ईएमए से डिस्टेंस बनाकर चलता रहता है, हम अपनी ट्रेड को होल्ड रखते हैं। ऐसे ही प्राइस ईएमए को टच करता है, हमें ये दूसरा साइन मिलता है कि मोमेंटम यहाँ पे लॉस हो रहा है और हमें अपनी ये जो पोजीशन है वो स्क्वायर ऑफ कर देनी चाहिए। मैं सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, बहुत सिंपल है, बिगिनर फ्रेंडली है। आपको सिर्फ और सिर्फ उसी दिन ट्रेड करना है जिस दिन आपको ये कंडीशंस फुलफिल होते हुए मिले। अगर कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, आप कोई भी इंट्राडे ट्रेड नहीं करोगे। अगर आप ट्रेड करोगे तो आप एक मोमेंटम लेस मार्केट में ट्रेड करोगे और वहां पर आपके लॉसेस के चांसेस सबसे ज्यादा रहेंगे। ये चीज यहाँ पे समझ में आई, 21 की मूविंग एवरेज से मैंने यहाँ पर क्या आइडेंटिफाई किया, सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम आइडेंटिफाई किया। ट्रेड हमारा किस पर है, ट्रेड हमारा प्राइस एक्शन पर ही है। 30 मिनट की रेंज का हाई ब्रेक हुआ, हमने एक बाई पोजीशन कंसीडर की, 30 मिनट की रेंज के लो को स्टॉप लॉस लगाया और जब तक मोमेंटम रही उस ट्रेड को हमने राइड किया। जैसे ही मोमेंटम लॉस हुआ, हम अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेकर बाजार से एग्जिट कर गए। फर्स्ट एग्जांपल आपको क्लियर समझ में आ रहा है, अब चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। देखिए यही चीज समझने वाली है, अगर देखेंगे तो 21 की मूविंग एवरेज के प्राइस ट्रेड कर रहा है, ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी यहाँ पर शॉर्ट टर्म जो ट्रेंड है वो क्या है, अपसाइड है। लेकिन इस जगह पर और इस जगह पर एक मेजर डिफरेंस है, आई आपका ब्रेक नहीं हुआ तो आपका ट्रेड नहीं बनता थ्रू द डे, इतना क्लियर है। पूरे दिन आपका कोई ट्रेड नहीं बनता। अगर आप देखें दूसरी कंडीशन, वो है क्या है कि ईएमए के ऊपर प्राइस रहना चाहिए और वहां पर ईएमए के साथ प्राइस का डिस्टेंस भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि तो यहाँ पे देखने को नहीं मिला। आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्या मोमेंटम मिसिंग है, मोमेंटम नहीं है। आप सिर्फ इस वजह से ट्रेड करें कि प्राइस ऊपर जा रहा है तो वो गलत हो जाएगा। मोस्टली आप क्या है, ऑप्शन बायर है, तो आपको क्या प्रेफर करना चाहिए, मोमेंटम ट्रेड, ना कि डायरेक्शनल ट्रेड। आप डायरेक्शनल ट्रेड करेंगे तब भी आपका प्रॉफिट नहीं होगा, हाँ आप डायरेक्शन के साथ मोमेंटम ट्रेड करेंगे तब आप यहाँ पर प्रॉफिट कर सकते हैं। अब आपको ये चीज यहाँ पर क्लियर देखने को मिलेगी कि करीब 3 बजे के आसपास एक ब्रेकआउट हुआ और इस जगह पर हमारा कंडीशन फुलफिल होता था। क्या होता था कि हाई भी ब्रेक हुआ, फर्स्ट पॉइंट एंट्री बनेगी, दूसरा कि इस जगह पर आप ध्यान दें तो आपको ईएमए और प्राइस की डिस्टेंस का भी पता चलेगा। हम बात कर रहे हैं अभी 15 तारीख की, ठीक है। मार्केट में क्या हुआ, एक गैप अप लगा, बहुत बड़ा नहीं, और आधे घंटे की रेंज हमने यहाँ पर मार्क कर ली, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इस जगह पे जब ब्रेकडाउन हुआ तो आपकी ही मूविंग एवरेज क्या कह रही है, आपकी मूविंग एवरेज में स्ट्रेंथ नहीं है, समझ रहे ना। ये इस जगह पर भी प्राइस की बहुत ज्यादा नियर बाई ट्रेड कर रहा था। आप इस ब्रेकआउट से देखेंगे, खासकर इस वाले ब्रेकआउट से, तो आपको पता चलेगा कि इस जगह पर डिफरेंस कैसा था और इस जगह पर डिफरेंस कैसा था। मूविंग एवरेज और प्राइस का डिफरेंस बहुत मैटर करता है।
प्राइस जितना मूविंग एवरेज से दूर चलेगा उतना अच्छा मोमेंटम देगा, और प्राइस मूविंग एवरेज के जितना नियर बाई रहेगा वो क्लियर साइन है कि यहां पर मोमेंटम है ही नहीं। अब इस जगह पर आप ब्रेकआउट की वजह से ट्रेड करेंगे तो आपके ट्रैप होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। आप क्लियर देखिए, दिखाई दे रहा है प्राइस तुरंत रिकवर हो गया। ये होता है मूविंग एवरेज को समझने का तरीका। चलिए कोई बात नहीं, अब यहां पर हमने प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड करना है, हमने नया स्विंग लो मार्क कर लिया। इस जगह पे जो ब्रेकडाउन हुआ है और इस जगह पे जो ब्रेकडाउन हुआ है, अगर आप बहुत बारीकी से देखेंगे तो दोनों के डिफरेंस का आपको पता चलेगा। दोनों के डिफरेंस का पता चला, यहाँ पर मूविंग एवरेज के बहुत नजदीक है प्राइस, और इस जगह पर जो ब्रेकडाउन हुआ वहां पर मूविंग एवरेज से बहुत ही दूर है। एक क्लियर साइन है कि लास्ट 105 पीरियड के एवरेज प्राइस से नीचे की तरफ चल रहा है प्राइस, यानी ये मोमेंटम अच्छा देगा और आप इस ट्रेड को कर सकते हैं, ना कि इस ट्रेड को, इसे कहता है रिफाइन करना। आधे घंटे की रेंज ब्रेक हो गई, इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे प्राइस का मोमेंटम आएगा। 10-20 पॉइंट के लिए करना हो तो एक अलग बात है, लेकिन अगर आपको ट्रेंडिंग मूव पकड़ना है तो आपको यहीं पर मिलेगा, इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। एक दो एग्जांपल से बात नहीं बनती है, एक दो एग्जांपल में कुछ भी हो सकता है, मार्केट सही चल सकती है, लेकिन जितना हम देखेंगे उतना हमको समझ में आएगा। अब इस जगह पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, अगर इस जगह पर जाकर आप ऑप्शन के प्राइस देखें, अगर आपने ट्रेड किया हो तो आपको मालूम होगा कि पूरे दिन प्राइस में कोई खास मोमेंटम नहीं हुई। स्ट्रेटजी हमारी बेस वही है कि आधे घंटे की रेंज ब्रेक होगी, रेंज शिफ्ट होगी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर लेंगे और उसके ऊपर अपना ट्रेड कर लेंगे। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो इस जगह पर ट्रेड मिली और इस जगह पर हमको इंडिकेशन भी मिला कि मे बी प्राइस में उतना मोमेंटम नहीं है, मूविंग एवरेज के बहुत ही नियर बाई प्राइस है, लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे प्राइस में डिस्टेंस हो गई। और देखिएगा तो इस एक सिंगल मूव में ही आपको ऑप्शंस के प्राइस में एक बढ़िया मोमेंटम देखने को मिला होगा, जैसे ही फिर से मूविंग एवरेज के पास आया मोमेंटम लॉस हो गया। अगर आप एक फ्यूचर ट्रेडर हैं तो बहुत इजीली ट्रेड कर सकते हैं, जब तक मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस रहेगा आप अपनी पोजीशन को कैरी कर सकते हैं। लेकिन एक ऑप्शन ट्रेडर के लिए हमेशा मोमेंटम चाहिए होता है और यही उसको समझना है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप एक ऑप्शन से हैं तो आप एक डायरेक्शनल ट्रेडर बन सकते हैं, लेकिन अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं तो आपको मोमेंटम ट्रेडर बनना पड़ेगा। डायरेक्शन तो मालूम होना ही चाहिए, फर्स्ट थिंग है, लेकिन सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपको मोमेंटम मालूम होना चाहिए। अगर मोमेंटम नहीं आया प्राइस में, आपके ऑप्शंस के प्राइस स्पाइक नहीं करेंगे, और यही चीज मैं आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ। आप यहाँ पे एक अच्छा स्कैल्प कर सकते थे, फिर आपको जैसे ही प्राइस में एक फिर से मोमेंटम दिखाई देता है आप एक अच्छी ट्रेड वहां कर सकते थे, और जब तक कर सकते थे जब तक वो मोमेंटम लॉस नहीं होता। मैंने बहुत ही आसानी से समझाने की कोशिश की है, मगर इसके अंदर कुछ बग्स होंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आया तो मैं इसको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। होता क्या है कि अक्सर मैंने लाइव में समझाया है अपने स्टूडेंट्स को, तो वहां पर उनके जो क्वेश्चन होते हैं उनके हिसाब से मैं एक्सप्लेन करता रहता हूँ, लेकिन ये जो वीडियो है इसमें कुछ समझ में नहीं आता कि सामने वाले को समझ में आ रहा भी कि नहीं आ रहा, और ये मेरा तरीका नहीं है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपको लाइव दिखाया जाए, जितना आप लाइव देखोगे उतना ही आपका ट्रस्ट बनेगा। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।